बात हमें नहीं लगता कि इस पर कोई चर्चा विषय और बहस की विषय है, लेकिन बहस का विषय है कि उनके नियत पर जो लोगों ने आज तक इस पर राजनीति करने का काम किया या जो लोग आज इस बात को कहने का काम कर रहे हैं उनका नियत कितना साफ है, उनकी संस्थाओं में, उनके पार्टियों में, उनके अन्य जगह पर कितना आरक्षित वर्ग को न्याय मिला, ये बहस का विषय है। और देख लीजिए, इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा छेड़िएगा तो लोगों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का दिल टूटेगा, और दिल जब टूटेगा तो देश तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। देश जो एक मानचित्र नहीं है, दिल लोगों के दिलों का जुड़ाव का देश है, और दिल टूटेगा तो देश टूटना स्वाभाविक है। और दलित वर्ग मजबूरन में क्या करेगा, मजबूरन में जब देखेगा कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित के एक सीमा लांघ जाएगा तो अपने अपने खूनों को सड़कों पर बहा देगा कि चलिए भाई, जब देश में लोग जब इस तरह से बात कर रहे हैं तो खून बहेगा सड़कों पर अपना अपना। अरस्तन के साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने साफ तौर पे कहा दिया है कि आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण आवश्यक है। और हमारे जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका ये पूरी तरह से विचार था अंत्योदय का, कि अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय, जो समाज का सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, जो सबसे कमज़ोर तबके का व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको सबसे ऊपर लाना है। तो आरक्षण से आज तक कभी किसी ने छेड़छाड़ करने का न हिमायत किया है, न कोई करेगा भी। मोहन भागवत जी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर करके पेश किया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से गरीबों के लिए हिमायती रही है, गरीबों को मुख्यधारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, और वह आरक्षण आवश्यक है, बगैर आरक्षण के यह संभव नहीं है।